पूरे यूरोप के अंदर और मगरब के अंदर जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं उनके गिर्द घेरा जो है वो बहुत तंग हो रहा है। इसी तरह जर्मनी के अंदर एक ग्रुप है, उसका नाम है अंसार इंटरनेशनल, और इसकी बहुत सारी सब ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको जर्मनी ने जो है वो बैन कर दिया है, आउटलॉ करार दे दिया है। अब देखना यह है कि मुसलमान जो हैं, वो जो मुसलमान ग्रुप्स यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। वो एम्बेसडर एक हैं जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कुछ कहा। से एक बड़ी छोटी सी दरखास्त है, आप यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, आप बोरिस जॉनसन से कहें कि हमारा मास एग्जोडस करा दें पाकिस्तान से, हमें आप लोग मार देंगे यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस के बाद जर्मनी अब एक्शन में आया है। जर्मनी ने भी फ्रांस की राह पर चलते हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों पर बैन लगा दिया है। जर्मनी की ये पाबंदी यूरोपियन यूनियन के पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव के बाद आई है। कमर चीमा ने आज की वीडियो में ये बताया है कि धीरे धीरे पाकिस्तानियों के खिलाफ पूरे यूरोप में घेरा तंग होते हुए नजर आ रहा है, और ये पाकिस्तान की ही घटिया सोच का नतीजा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक राजदूत ने माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इमरान खान को उसके मुंह पर लाइव टीवी पर डांटा है, और ये खुलकर कहा है कि इस तरह तो आप माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में खात्मा कर देंगे। आज की वीडियो में कमर चीमा और आलिया शाह ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। पूरे यूरोप के अंदर और मगरब के अंदर जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं उनके गिर्द घेरा जो है वो बहुत तंग हो रहा है, और ये जो एक बहस यूरोप में थोड़ी तेजी पकड़ती जा रही है, और अभी रिसेंटली फ्रांस में जो हो रहा है, आपने कुछ वाकयात देखे होंगे, फिर स्वीडन में, फिर उसके बाद पोलैंड में, और बहुत सारी जगहों पे वाकयात हुए जहां पे जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट थे उन्होंने जो है वहां की हुकूमत पे या पुलिस पे हमले करने की कोशिश की। इसी तरह जर्मनी के अंदर एक ग्रुप है, उसका नाम है अंसार इंटरनेशनल, और इसकी बहुत सारी सब ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको जर्मनी ने जो है वो बैन कर दिया है, आउटलॉ करार दे दिया है। और ये जो अंसार इंटरनेशनल जो है, इसको उन्होंने कहा है कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको वो ये कहते हैं, जर्मनी का कहना ये है कि ये बेसिकली तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम करते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये अल नुसरा फ्रंट, जो कि शाम के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके को फंडिंग बेचते हैं शाम के अंदर, फिर फलस्तीन में ये हमास को बेचते हैं। और याद रखिए, जो हमास है उसको यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी टेररिस्ट की ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ है। इसी तरह ये अल शबाब एक ऑर्गेनाइजेशन है सोमालिया के अंदर, उसको ये पैसे बेचते रहे। और ये जो सारे के सारे हैं, ये वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन इनफैक्ट ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भेज रहे हैं। और देखना यह है कि मुसलमान जो ग्रुप्स हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो ग्रुप है जो समझता है कि नहीं, हमें गन पकड़ के जिहाद करना है, मारना है, और रियासत के जो अपरेटस है ये उसको बाईपास करना है, और अपनी एक इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश करना है। अब देखिए, यूरोप के अंदर ये सारी चीजें हमें पता चल रहा है कि हो रही हैं, और यूरोप जो है उसके ऊपर एक टफ लाइन अभी ले रहा है। अब देखना यह है कि मुसलमान जो हैं, वो जो मुसलमान ग्रुप्स यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। और होता यह है कि बहुत सारे जो आम सिविल होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो जिस तरह अंसार इंटरनेशनल को पैसे देंगे कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करेंगे, ये रोजे खिलवाने में मदद करेंगे, ये जनाब किसी को घर लेने में मदद करेंगे, ये किसी को किसी और तरीके में मदद करेंगे, लेकिन इन रियलिटी वो जो है वो फंडिंग तो जा रही है मिलिटेंट्स को जा रही है, ताकि वो वहां पे जाके वो अगर अल नुसरा फ्रंट है शाम में, या हमास को भेज रहे हैं, या आप और किसी दहशतगर्द जमात को भेज रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? वो जो इंडिविजुअल मासूम बंदा है, वो तो 50 यूरो, 100 यूरो, 10 यूरो दे रहा है कि मैं तो सही कॉज के लिए पैसा दे रहा हूं, लेकिन ये जो आगे से इस्लामिस्ट हैं,
ये उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, जो एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनसे उन्होंने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने उनको काफी सख्त सुनाई थी, जिसके ऊपर काफी चर्चा रहा, काफी उसकी जो है हर तरफ उसके मुतालिक, किसी ने कहा कि सही किया, किसी ने कहा कि गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसके बाद उन एम्बेसडर्स ने जो प्राइम मिनिस्टर से बात की वो क्या थी। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगी और मैं आपको, वो एम्बेसडर एक हैं जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कुछ कहा उसी दौरान, उनके उनके खिताब के बाद, उनके एड्रेस के बाद, उनकी स्पीच के बाद एम्बेसडर्स ने जब इमरान खान साहब से बात की, तो उनमें एक एम्बेसडर साहब जो है उन्होंने खान साहब से क्या बात की, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि मैं पाकिस्तानी, अजीम पाकिस्तानी कौम का एक बहुत छोटा सा चूड़ा हूं, इसलिए मेरा इशू भी बहुत छोटा है और मैं अपने चूड़ेपन में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है डेली बेसिस पे, उसके लिए बस ये दरख्वास्त है कि मेरी बहनें हैं, नर्सेस हैं, पहले कराची में, फिर फैसलाबाद में, फिर लाहौर में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, जहां पे मेरी अपनी इनपुट्स बेशुमार रही हैं। I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan. And today I learned that my sisters who are Christians are being accused of things that they don't even understand and our churches are being desecrated. So meri aapse ek badi choti si darkhast hai, aap yahan pe tashreef rakhte hain, aap Boris Johnson se kahein ki hamara mass exodus kara de Pakistan se, hame aap log maar denge yahan pe, hame jin cheezon ki samajh bhi nahi hai उन चीजों का इल्जाम दे दे के हमें बहुत फख्र महसूस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे भाइयों को वहां पे सड़कों पे नमाज पढ़ने देते हैं, हमारी इस कौम में इतना दिल नहीं है, बिकॉज यू गाइज हैव अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू। ये वीडियो तो बाहर निकल आई और आपने देख भी ली, बोरिस जॉनसन से या ईयू, शायद आज तक किसी ने किसी प्राइम मिनिस्टर से इस तरीके से बात ना की हो। इसके ऊपर क्या, इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनाम किसी कंट्री ने किया है तो वो पाकिस्तान ने किया। इस्लाम को पूरी दुनिया बताती रही कि पीसफुल रिलीजन है, लेकिन आपने प्रोपोगेट किया कि काफिरों को मारो, पांच आदमियों को मार दे, होटल में घुस के मार दे, हॉस्पिटल में घुस के मार दे। ये पाकिस्तान की सिखाई हुई फिलॉसफी है जो जो कि इस्लाम के नाम पर आपने सिखाई है। सिखाया किसने? ये पाकिस्तान ने। और किसी कंट्री ने सिखाया हो तो मुझे बता दीजिए। तो जब आप एक इस्लाम को आपने सबसे ज्यादा बदनाम किया है, रियासत मदीना की कस्में भी आप ही खाते हैं। आप ये भी क्लेम करते हैं कि हम इस्लाम के होल सोल जो है ना, हम मसीहा हैं, हम वो हैं, इस्लाम के रखवाले हैं। तो कंट्री में पले हुए लोग, आपके कंट्री में पढ़े लिखे लोग, आपके कंट्री में जिन्होंने फ्लरिश किया है, आपके कंट्री में जो लोग अपने कैंप बना के बैठे हैं, उसामा बिन लादेन आपके कंट्री से सीखे, अयमन अलज़वाहिरी आपके कंट्री से सीखे, ये फिलॉसफी बाद में आईएसआईएस ने पकड़ी, दूसरों ने पकड़ी, लेकिन स्टार्ट आपके कंट्री से हुआ।